हाय फ्रेंड्स, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ इज इंस्पायर पे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए भगवान बुद्ध की और एक कहानी लेकर आया हूँ। कहानी का नाम है वन देवता। तो दोस्तों, हम चलते हैं कहानी की तरफ, लेकिन उसके पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन पर सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि भगवान बुद्ध से जुड़ी ऐसी कहानियाँ हम आपके लिए लेके आते हैं। तो दोस्तों, हम चलते हैं कहानी की तरफ। नमो बुद्धाय। वन देवता। जब भगवान गौतम बुद्ध कठोर तपस्या में थे, उन्हीं दिनों सुजाता नामक एक ब्राह्मण कन्या ने एक मन्नत मांग रखी थी। उसका कहना था कि यदि उसे इच्छानुसार पति मिला तथा प्रथम बार पुत्र उत्पन्न हुआ तो वह प्रत्येक वर्ष वन देवता के रूप में बरगद की पूजा करेगी। वह वन देवता के रूप में बरगद की इसलिए पूजा करती क्योंकि गौतम बुद्ध उसी वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे थे। उसकी यह दोनों इच्छाएं पूरी हो गई। वैशाख पूर्णिमा के दिन सुजाता ने 1000 गायों का दूध निकाला तथा 100 गायों को पिला दिया। फिर उन 100 गायों का दूध निकालकर उसने 10 गायों को पिलाया। अंत में उसने उन 10 गायों का दूध निकालकर एक गाय को पिला दिया। एक गाय के दूध से सुजाता ने खीर बनाई एवं पूजा का सामान लेकर वह वन देवता की पूजा के लिए बरगद के वृक्ष के निकट आई। उसी बरगद के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ ध्यान में मग्न बैठे थे। उन्हें वहां देखकर सुजाता आश्चर्य में भर गई। गौतम बुद्ध का चेहरा एक तेज से जगमगा रहा था। सुजाता उन्हें देखती रह गई और उसने मन में सोचा कि मैं भाग्यशाली हूँ, मुझे साक्षात देवता के दर्शन हो रहे। उसने सोने की थाली में रखी हुई खीर गौतम के सामने रख दी, उनके सामने पुष्प चढ़ाए, उनकी पूजा की तथा उनके चरणों में प्रणाम करके चली गई। तो दोस्तों, वन देवता कहानी आपको कैसे लगी यह हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन पर सिलेक्ट कीजिए। थैंक यू।